उत्तराखंड के दिनेशपुर में 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन को शहर क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन शहर के बीचों बीच से निकल रही थी, जिसका व्यापारियों काफी समय से विरोध कर रहे थे, जिसके चलते क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे व विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन का दिनेशपुर शहर क्षेत्र में अंडरग्राउंड लाइन बिछाने पर सहमति हुई। इस मौके पर भाजपा नेता हिमांशु सरकार ने कहा, दिनेशपुर के व्यापारियों की मांग पर 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व विधायक अरविंद पांडे का धन्यवाद किया। हमारा जो दिनेशपुर बिजली का रह गया, उसकी जो 33 सप्लाई है बधाईपुरा से आ रही थी, तो हम चाह रहे थे कि एक 33 सप्लाई जाफरपुर से भी हो जाए, जिससे कि कभी बधाईपुरा वाले में अगर दिक्कत हो तो जाफरपुर से उसको चालू किया जा सके। पूर्व में उसमें ओवरहेड काम चल रहा था, लेकिन मेन मार्केट से लाइन निकालते समय व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। उसके एवज में उनका कहना था कि इसको अंडरग्राउंड ले जाया जाए, तो उसमें हमें सफलता मिली है और वो कार्य हम करने जा रहे हैं। इसमें ये जो 33 KV लाइन जो पहले मार्केट के अंदर से जा रही थी, तो इसको लेके हमारे व्यापारी जो है बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि पहले जो 11,000 किलो की जो लाइन गई है, उससे भी यहाँ दुर्घटनाएं हो गई हैं, कई लोगों की उससे मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसलिए लोगों के मन में एक भय था, इसलिए व्यापार मंडल ने इसका विरोध किया था और सारे शहरवासियों ने इसका विरोध किया था, और इस कारण ये रुक भी गई थी। और हमारे माननीय मंत्री जी के प्रयास से और यहाँ के व्यापार मंडल के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे को लग रहा है शायद इस क्षेत्र में ये पहला ही मामला है कि भूमिगत लाइन पड़ रही है। इसके लिए सारे व्यापारी बहुत खुश हैं और हम सरकार का, माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक जो है हमारे क्षेत्र को ये सौगात दी है, जिससे ये है कि जब भूमिगत की लाइन तो खंभे भी हटेंगे, थोड़ा बाजार भी खुला खुला लगेगा और सब अच्छा लगेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।